फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवीएस ऑनलाइन क्लास। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन योर बुक्स। सो बच्चों, आज हम लेसन फोर पढ़ेंगे आपका। आपके लेसन फोर का क्या नाम है? प्लेइंग इज फन, यानी खेल मजेदार है। अब हम जानेंगे कि खेल किस तरीके से मजेदार हैं और कैसे इन्हें खेला जाता है और मजेदार बनाया जाता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Every evening, हर शाम, I go to a park near my house to play with my friends. यानी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपने घर के पास एक पार्क में जाता हूँ। We play खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट एंड मैनी अदर ग्रुप गेम्स। हम खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट और कुछ ग्रुप्स गेम खेलते हैं। दिस कीप्स मी हेल्दी एंड हैप्पी, ये मुझे स्वस्थ और हैप्पी मतलब कि खुश रखते हैं। बच्चों, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, ठीक है। एट होम, घर के दौरान, आई प्ले गेम्स विद माई पेरेंट्स व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। मैं अपने पेरेंट्स के साथ यानी मम्मी पापा के साथ खेलता हूँ जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आया कि ये कहाँ खेलते हैं और किस टाइम खेलते हैं। सो बच्चों, अब आइए इसे रीड करते हैं। प्लेइंग गेम्स इज इम्पोर्टेंट, खेल खेलना जरूरी है। इट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड माइंड, ये शरीर और दिमाग के लिए एक अच्छा तरीका है। इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, ये हमें तरोताजा और ठीक रखता है। इट कीप्स अस एनर्जी टू कंप्लीट आवर वर्क, इससे हमें अपने काम को पूरा करने के लिए एनर्जी यानी बच्चों ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं एनर्जी को ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है। ठीक है बच्चों, अब आपने जाना कि गेम हमारे खेलने से हमें एनर्जी मिलती है और फ्रेश बाहर की हवा मिलती है। ठीक है बच्चों, जिससे कि हम अपना काम कर पाते हैं। चलिए बच्चों, अब नीचे रीडिंग करते हैं। लाइक रिया, मोस्ट चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, यानी रिया की तरह कुछ बच्चे शाम को खेलने के लिए बाहर जाने के लिए खुश होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्ले इन ओपन प्लेसेस लाइक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स, यानी पार्क या खुले मैदान में खेलने जैसी जगहों पर खेलना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, हमें खुले मैदान जैसे पार्क होता है, प्लेग्राउंड होता है, वहाँ खेलना चाहिए। वहाँ खेलने बहुत हमारे लिए जरूरी है। प्लेइंग गेम्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, यानी खेल खेलना मनोरंजन का सबसे अच्छा तरीका है। Recreational activities are the things that we do when we are not working. मनोरंजन activities वे चीजें हैं जो हम तब करते हैं जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं। आप लोग भी बच्चों तभी करते होंगे जब आप लोग काम नहीं कर रहे होते होंगे। They help us to relax. वे आराम करने के लिए हमारी मदद करता है। Time spent on recreational activities is called leisure time. मनोरंजन activities पर खर्च करने वालों को अवकाश का समय कहा जाता है, यानी leisure time कहा जाता है। बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि leisure time किसे कहते हैं और खेलने से हमें कितना मनोरंजन मिलता है। चलिए बच्चों, next topic पर आइए। बच्चों, आपका first topic है outdoor games. बच्चों, आप क्या जानते हो outdoor games क्या होते हैं? Yes, बच्चों बिल्कुल सही बताया। आउटडोर गेम होते हैं जो बाहर खेले जाने वाले खेल होते हैं। जो खेल हम बाहर खेलते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है, जैसे हमारा लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, ये हमारे कहाँ खेले जाने वाले? बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, तो इन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। ठीक है, ये किसी खुले मैदान में खेले जाते हैं यानी प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं। सो बच्चों, कुछ कई आउटडोर गेम्स वो होते हैं जैसे कि खो खो, ठीक है, कबड्डी। टर्न टू द नेक्स्ट पेज बच्चों।
जैसे कि हमारे सेवन टाइल्स। आप लोग जानते हो सेवन टाइल्स कौन सा गेम है? वो होता है जिसे आप गिंटू के नाम से जानते होंगे। पत्थर रखे जाते हैं सात, ठीक है, आपने खेला भी होगा। सात पत्थर रखे जाते हैं, फिर उनके जरिए खेला जाता है, ठीक है। ये भी हमारे खेलने मनोरंजन का तरीका है। एंड बच्चे बच्चों को साइकिलिंग, स्केटिंग एंड स्कीपिंग भी बहुत पसंद है, तो इसलिए बच्चे साइकिलिंग, स्केटिंग एंड स्पीकिंग भी करते हैं, स्कीपिंग करते हैं, और उन्हें इसके जरिए, ये सब चीजें करने के जरिए अच्छे एक्सरसाइज हो जाती है उनकी और रिलैक्शन हो जाता है उनका, ठीक है। उन्हें यानी एक्सरसाइज हो जाती है और रिलैक्शन मतलब आरामदायक हो जाता है। बच्चों अब मैंने आपको ये पैराग्राफ भी बताया कि आउटडोर गेम्स हमारे ऐसे होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं, ठीक है, और ये गेम हम खेलते हैं जिनसे कि हमें हमें अच्छी बाहर की फ्रेश हवा भी मिलती है और हमें मनोरंजन भी होता है, और खेल खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। सो बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक है इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे कुछ खेल अंदर खेले जाते हैं, जैसे कैरम, शतरंज, लूडो, ये सब गेम कहाँ खेले जाते हैं? घर के अंदर खेले जाते हैं। जैसा आपको दिख ही रहा होगा, ये कैरम खेल रहे हैं, घर के अंदर खेल रहे हैं। नाउडेज आजकल वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स एंड प्ले स्टेशन आर ऑल्सो पॉपुलर इंडोर गेम्स। यानी कि आजकल देखिए, आपने देखा होगा ज्यादातर अब पॉपुलर होते जा रहे हैं वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो आती हैं उनसे घर में खेलते हैं। इंडोर गेम मतलब कि घर में खेले जाते हैं, जैसे हम वीडियो गेम खेल रहे हैं अपने घर में, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से खेल रहे हैं या प्ले स्टेशन से खेल रहे हैं, ठीक है, वो सब गेम हमारे घर में खेले जाते हैं और ये आजकल लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। कई घरों में माता पिता, दादा दादी और बच्चे इंडोर गेम्स एक साथ खेलते हैं, ठीक है बच्चों, कि बहुत घरों में क्या होता है, दादा दादी, माता पिता सब लोग फ्री होकर एक साथ इंडोर गेम खेलते हैं। इससे वे एक दूसरे के करीब रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोग जान गए होंगे कि इंडोर गेम्स से हमें क्या फायदा है। वो घर में खेलते हैं हम कैरम, लूडो, चेस, ये सब हम घर में खेलते हैं, लेकिन आजकल पता है क्या लोकप्रिय होते जा रहे हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से खेलते हैं, प्ले स्टेशन से खेलते हैं, ठीक है। और लेकिन इंडोर गेम से हमें ये है कि हम अपने दादा दादी, मम्मी पापा के साथ भी घर में खेलते हैं, ठीक है, उनका भी मनोरंजन होता है और हमारा भी मनोरंजन होता है, ठीक है। ये थे हमारे इंडोर गेम्स। आउटडोर और इंडोर गेम्स आपको अब पता लग गए होंगे। आउटडोर गेम्स जो बाहर खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। सो बच्चों आपका थर्ड टॉपिक है टीम गेम्स। टीम गेम्स वो होते हैं बच्चों जो बहुत सारे लोग मिलकर खेलते हैं, उसे हम कहते हैं टीम गेम्स, ठीक है बच्चों। जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब हमारे टीम में खेले जाते हैं, इसे कोई अकेला नहीं खेल सकता, तो टीम बनाई जाती है, फिर हम टीम द्वारा खेलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर स्कूलों में आपने देखा होगा टीम बनी होती है, ठीक है, और बच्चों को इंक्लूड मतलब पार्टिसिपेट कराया जाता है, पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे उसमें और टीम गेम एक खेलते हैं, और उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो ट्रेन करते हैं वो कौन होते हैं, कोच रखे जाते हैं स्कूल में, कोच रखे जाते हैं ताकि वह ट्रेन हो और वो गेम टीम में खेल सकें। टीम में सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे की बात मानते हैं, वे हमारे टीम गेम होते हैं जो टीम में खेले जाते हैं, ठीक है बच्चों। आपकी समझ में आओगे टीम गेम्स कौन से होते हैं और सब मिलकर कैसे खेलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेम्स इन द पास्ट। पास्ट मतलब होता है बच्चों अतीत, ठीक है, यानी ये बताती है हमें लाइन पिछले जमाने के खेल, ठीक है, पिछले जमाने में जो खेल होते थे उसे किस तरीके से खेला जाता था और कौन कौन से खेल होते थे। अतीत यानी पास्ट, ठीक है बच्चों। ये पैराग्राफ हमें बताता है कि अतीत में जब कोई टेलीविजन या वीडियो गेम नहीं थे, बच्चे स्वस्थ थे, वे खुले मैदानों में भागते थे, वे घर के बाहर जाकर खेलते थे, स्कीपिंग, कबड्डी, सेवन टाइल्स, हाइड एंड सीक, ठीक है, ये सब गेम खेलते थे। इन खेलों के लिए उन्हें शक्ति की जरूरत होती थी, ठीक है। और जैसे कि कुछ गेम घर घर भी डॉल्स यानी डॉल्स के साथ
घर पर खेलते थे। ठीक है बच्चों, बड़े बच्चों ने कुश्ती का आनंद लिया। ठीक है, जो बड़े बच्चे होते थे वह कुश्ती खेलते थे तो उससे वो मजा लेते थे, जबकि छोटे बच्चों ने गिल्ली डंडा, छिपकन छिपाई जैसे खेल खेले। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आओगे कि पहले जमाने में, यानी जो पिछला हमारा जमाना था, पास्ट में कैसे गेम खेले जाते थे। ठीक है, लोग वीडियो गेम नहीं खेलते थे, टेलीविजन नहीं था उस टाइम, तो लोग बाहर गेम खेलते थे जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। ठीक है, आइए बच्चों हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। जो टॉपिक इज गेम इज वर्क फॉर सम, यानी कुछ के लिए खेल काम है। ठीक है बच्चों, सो ये पैराग्राफ हमें बताता है कि जो खेल मस्ती के लिए, पैसे कमाने के लिए या कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं उन्हें स्पोर्ट्स कहा जाता है। जो भी इंसान खेल खेलता है उसे खेल प्रेमी कहा जाता है। तो बच्चों, खेल प्रेमी का मतलब होता है खेल से प्यार करने वाला। ठीक है बच्चों, खेल जो लोग प्रोफेशनली रूप से खेलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे खेल जो लोग प्रोफेशनली रूप से खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बेसबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग एंड द लास्ट पोलो, बिलियर्ड, सॉकर, आर्करी, वेट लिफ्टिंग एंड टेबल टेनिस। सो बच्चों, कम टू द नेक्स्ट पेज। सो बच्चों, टॉपिक इज एडवेंचर स्पोर्ट्स। बच्चों, क्या आप जानते हो एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है? यस, वेरी गुड। यानी साहसिक खेल। साहसिक खेल वो होते हैं जो किसी खतरे को मोल लेकर खेलते हैं, जिसमें शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, कि ऐसे खेल जो हम खेलते हैं रिस्की होते हैं जो हमारे लिए, लेकिन उसमें हमारे शरीर को बहुत नुकसान भी होता है। तो ये पैराग्राफ बताता है हमें कि कुछ खेल जैसे याचिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, ग्लीडिंग एंड स्कूबा डाइविंग ये जोखिम भरे बच्चों होते हैं खेल, लेकिन ये एक्साइटिंग होते हैं। ये सभी खेल बच्चों एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं, यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब साहसिक खेल कहलाते हैं, और आजकल ये बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप लोगों को मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आइए बच्चों, तो बच्चों ये आपका बुक वर्क है। ठीक है, आप लोगों को ये करना है काम घर पर। होमवर्क ये आपका, देखिए फन टाइम एक्टिविटी है, आपको फन टाइम एक्टिविटी करनी है और ये मैच करना है आपको। ठीक है, आपकी मैचिंग दे रखी है, आपको ये मैच करना है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन ए पर। सो बच्चों, क्वेश्चन ए में दे रखा है थिंक ऑफ सम गेम्स दैट यू कैन मेक एंड प्ले यूजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज को यूज कर क्या गेम खेल सकते हो, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट स्केल एंड इरेजर, इनकी मदद से आप कौन सा गेम खेल सकते हो उसका नाम आपको यहाँ फिल करना है। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड करना है। ठीक है बच्चों, अब कम टू द क्वेश्चन बी। सो बच्चों, क्वेश्चन बी है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यानी कि आपको पहली सॉल्व करनी है इसमें। दे आर ऑल नेम्स ऑफ गेम्स। ठीक है, इसमें आपको गेम के नाम निकालने जो कि इसमें पहली में छिपे हुए हैं। जैसे आप फर्स्ट देख लीजिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम इज अ बॉडी पार्ट, यानी कि जैसे कि बच्चों अब इसमें जो भी आपको खेल निकलेगा वो हमारा पहला जो होगा वो निकलेगा हमारे बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, एफ मतलब कि फुट हमारे बॉडी पार्ट में भी आता है, तो इससे रिलेटेड निकला ये फुटबॉल। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करने हैं। ठीक है बच्चों, सो बच्चों आपको क्वेश्चन सी में करना है कम्प्लीट द फॉलो चार्ट। ठीक है, ये आपका चार्ट है, इसे आपको कम्प्लीट करना है। गेम्स वी प्ले, ठीक है, हम जो खेल खेलते हैं जैसे इंडोर और आउटडोर, आपको इंडोर गेम्स के नाम लिखने थे, जैसे 1, 2, 3, 4, इन बॉक्स में 4 इंडोर गेम्स के नाम लिखने थे। ऐसे आउटडोर में 4 बॉक्सेस बने, आपको 4 बॉक्सेस में आउटडोर गेम के नाम लिखने थे। मैंने आपको ये फिल कर दिए हैं, आप लोगों को ऐसे ही फिल करने हैं। ये पूरा चार्ट आपको कम्प्लीट करना है। ये बच्चों आपका हुआ बुक वर्क, अब आइए कॉपी वर्क। बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर करने हैं, थर्ड और फोर्थ आपके काट दिए हैं। ठीक है, आपको वो नहीं करने, क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है बच्चों की कॉपी में करने हैं आपको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम्स। ठीक है, अब आपको आंसर देना है इसका।
Playing games is important because it is a good exercise for the body and mind. It keeps us fresh and active. It gives us energy to complete our work. ऐसे ही आपको बच्चों, ये आपको क्वेश्चन टू है, ठीक है. हाउ आर गेम्स वर्क फॉर सम पीपल, ठीक है. अब आपको इसका आंसर लिखना है. सम पीपल अर्न मनी बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट. बच्चों अब ये आपको वर्ड्स मीनिंग करने हैं अपनी ईवीएस की कॉपी में, ठीक है बच्चों. ये वर्ड मीनिंग ऑफ हिंदी, मीनिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है. अब आपको ये याद भी करने हैं और कॉपी में नोट भी करने हैं. फर्स्ट है हमारा फन, आनंद, इंजॉयमेंट, हेल्दी, स्वस्थ, वेल, इम्पोर्टेंट, जरूरी, प्राइम, फ्रेश, ताजा, लेटेस्ट, पास्ट, अतीत, फॉर्मली, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान यानी पार्क, पॉपुलर, लोकप्रिय, लाइट, नाउडेज, आजकल, टुडे, गुड, अच्छा, फाइन, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कंटेस्टिंग. बच्चों ये आपको वर्ड्स मीनिंग है आपके, आपको याद भी करनी है और इसे ईवीएस की कॉपी में नोट करना है, ठीक है बच्चों. और आपको एक एक्टिविटी और करनी है कॉपी में. आपको 5-5 इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स का चार्ट पेपर एक आता है, आपको वही कॉपी में 5-5 पेस्ट करने हैं, ठीक है बच्चों. आई होप आपकी समझ में सारा लेसन आ गया होगा. अब मैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक.